CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम मदारी। मोहिनी राव द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो लो आज फिर तुमसे मिलने आ रहा है मदारी। तो दोस्तों जोर से ताली बजाओ और बुलाओ मदारी को। बच्चों के खेल, सच्चों के खेल, खेल 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 सच्चे बच्चों के खेल। लालू के, भालू के, सिकंदर के, बंदर के, शेर के, बकरी के खेल देखो खेल। राम राम बता रही भैया। अरे राम राम बिटिया। अरे तुम्हारे गुब्बारे कहाँ चले गए? गुब्बारे तो मैं सब छोड़ा। अरे अब कहानी और गीत कैसे सुनाओगी मदारी भैया? ये पिटारी देखती हो, इसमें ढेर सारी कथा कहानियाँ भरी हैं। अच्छा तो आंखें बंद करो और पिटारी में हाथ डालो। जो कहानी हाथ लग जाएगी वही सुनाऊंगा। ये लो। अरे ये तो ढपोर शंख निकला। ढपोर शंख? ये कैसा नाम है? अरे तुम ढपोर शंख को मारो गोली, तुम तो इसकी कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। इतना गरीब कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। ब्राह्मण की बहू रोज झगड़ा करती, कहती जाओ कुछ काम करो, कुछ कमा कर लाओ। एक दिन ब्राह्मण ने कहा अब कुछ कमा कर ही लौटूंगा, रोज रोज के तेरे तानों से मैं दुखी हो गया हूँ। ये सुनकर तो ब्राह्मणी बहुत खुश हुई होगी। अरे ब्राह्मणी बहुत खुश हुई कि चलो इनको अक्ल तो आई। उसने ब्राह्मण के लिए रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां बनाई। 7 मोटी मोटी रोटियां बनी। ब्राह्मण चल दिया। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा। अरे बाप रे, कहीं शेर मामा तो नहीं आ गए? नहीं, जंगल में उसे एक कुआं मिला। उसने सोचा यहीं बैठकर रोटी खा लूं। रोटी की पोटली खोलकर वो जोर जोर से कहने लगा एक खाऊं या दो खाऊं, दो खाऊं या तीन खाऊं, चार खाऊं या पांच खाऊं, छह खाऊं या सातों को खा जाऊं। ऐसा हुआ कि उस कुएं के अंदर 7 परियां किसी राक्षस के डर से छिपी हुई थीं। उन्होंने ब्राह्मण को जब ये कहते हुए सुना तो उन्होंने समझा अरे
ये तो हमें ही खाने की बात कर रहा है। तो वे सब डर गईं। आपस में उन्होंने सलाह की और उनमें से एक परी बाहर निकलकर बोली, आप हम पर दया कीजिए महाराज, हमको मत खाइए महाराज। अब ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं, हम तुमको नहीं खाना चाहते, हम किसी को नहीं खाते, पर हम क्या करें। परी समझ गई कि ये ब्राह्मण देवता जरूर दुखी हैं। परी कुएं के अंदर गई और जल्दी ही बाहर आ गई। उसके हाथ में था एक शंख। ब्राह्मण देवता, ये कोई मामूली शंख नहीं है, इसको बजाकर जो मांगोगे वही तुमको मिल जाएगा। अरे, अब तो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने भोजन किया, भरपेट भोजन किया और वो शंख लेकर चला गया। चलते 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 वो एक और गांव में पहुंचा। रात हो गई तो वो अपने एक दोस्त के घर ठहर गया। ब्राह्मण के दोस्त ने कहा, मित्र खाओगे क्या, घर में तो कुछ नहीं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी सबके लिए खाना मंगवाता हूँ। और उसने शंख बजाया और तरह तरह के पकवान मंगा दिए। उसका दोस्त हैरान रह गया। रात को ब्राह्मण तो सो गया पर उसके दोस्त को नींद नहीं आई। वो उस शंख के बारे में सोचता रहा और आखिर उसने वो शंख चुरा ही लिया और उसकी जगह एक मामूली सा शंख रख दिया। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, तुमको माला माल कर दूंगा, बोलो क्या खाओगी। ये कहकर ब्राह्मण ने शंख बजाकर दो थाली भोजन मांगा। लेकिन वो तो जादू का शंख था नहीं। इसीलिए तो कुछ भी नहीं हुआ। ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आया। वो खूब रोई और खूब चिल्लाई। बेचारा ब्राह्मण, फिर वो परियों के पास क्यों नहीं चला गया। यही तो किया उसने। फिर सात रोटियां लेकर वो उसी कुएं पर पहुंचा। उसने सारा किस्सा परी को सुनाया। परी सारी बात समझ गई। उसने ब्राह्मण से कहा, इस बार तुम ये दूसरा शंख ले जाओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। देखो, इस शंख का नाम है ढपोर शंख। तो ये था ढपोर शंख। हाँ, यही था ढपोर शंख। ब्राह्मण अब इस शंख को लेकर फिर उसी गांव में गया। वो रात को उसी दोस्त के घर ठहरा। दोस्त ने खाने को पूछा तो उसने कहा, आज मैं पूजा करके अपने कमरे में अकेला खाऊंगा। ब्राह्मण ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर तो वो मंत्र पढ़ता रहा। चीं बटा गड़म डम मंत्र मंत्र जंतर तंतर काम करन तंतर हम तंतर तंतर चीं बूं चीं बूं चीं बूं कट। उधर उसका दोस्त दरवाजे में कान लगाकर खड़ा था। उसने सोचा, पूजा हो रही है। फिर ब्राह्मण ने शंख बजाया और कहा, दो केले
और दूध। ढपोर शंख जोर जोर से बोला, लो केला, लो आम, लो संतरा, लो दूध, लो बर्फी, लो रबड़ी, लो मलाई। ये ढपोर शंख सिर्फ बोलता ही बोलता था, देता कुछ नहीं था। रात को ब्राह्मण सो गया, बल्कि सोने का बहाना कर रहा था, तो दोस्त ने ढपोर शंख चुराकर उसकी जगह ब्राह्मण का पहले वाला शंख रख दिया। ब्राह्मण ने जल्दी से उठाया और अपने पास रख लिया और सुबह जल्दी जल्दी उठकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचा तो सूरज डूब रहा था। ब्राह्मणी ने उसको देखते ही चढ़कर कहा, आ गए तुम, घर में कुछ है नहीं, अब क्या खाओगे? ब्राह्मण ने कहा, चिंता मत कर, अभी मंगाता हूँ खाना, बोलो क्या खाना चाहती हो? ब्राह्मण ने शंख बजाया और कहा, दो थालियां चांदी की। अरे लो, सामने आ गई दो थालियां चांदी की। हाय 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 हाय, इतना बढ़िया खाना, वाह 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 वाह, उन लोगों ने पहले कभी खाया ना था। घर में रोज चांदी के बर्तन इकट्ठे होने लगे और कुछ ही दिनों में वे अमीर हो गए। अच्छा तो अब चलता हूँ, राम राम। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? दोस्तों आज मदारी ने कहानी तो सुनाई लेकिन गीत नहीं सुनवाया। तो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा ये दोस्त पोपटलाल तुम्हारे लिए एक मजेदार गीत लेकर आया है, सुनोगे ना? तो लो सुनो ये गीत। दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो सब कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।